नमस्कार दोस्तों एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फर्स्ट इन्वेस्टमेंट दोस्तों आज हम बात करने वाले एक पर्टिकुलर स्टॉक के बारे में जो कि मुझे लगता है कि आप लोगों तो को बहुत बढ़िया रिटर्न दे सकता है विद इन सिक्स टू सेवन मंथ्स एंड ये स्टॉक मैंने अपने फ्राइडे को ही बाय करा है इस पर्टिकुलर स्टॉक को एंड आई थिंक ये बहुत अच्छा रिटर्न दे सकता है सो so, इस स्टॉक के बारे में बात करें तो सबसे पहले स्टॉक का नाम बताना चाहूँगा जिसका नाम है बी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स ये स्टॉक मैंने आप लोगों को मंडे के लिए भी रिकमेंड करा है एंड ये अभी भी बाय है सो so, थोड़ी इसकी डिटेल्ड एनालिसिस कर ली जाती है एंड चेक करते हैं किस तरीके से है ठीक है सो so, जिस तरीके से आप पर आप लोग देख रहे हैं कि एक हायर लेवल्स पे ऑलमोस्ट 180 के लेवल्स पे एक शार्प फॉल आई शार्प फॉल आने के बाद वी सीव अ पुल बैक एक पुल बैक आया एंड पुल बैक के बाद एक दोबारा फॉल आई जिसने अपने प्रीवियस लो को ब्रेक कर गया ठीक है मतलब जो ट्रेंड है वो ट्रेंड क्या है ट्रेंड है वीक ठीक है ट्रेंड है सेल साइड में उसके बाद क्या हुआ उसके बाद हम लोगों ने देखा दोबारा एक अपमूव आई अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं कर पाया एंड एक फॉल आया बट अपने प्रीवियस लो को भी ब्रेक नहीं करा तो ये जो वीक ट्रेंड था ये कंटिन्यू नहीं करा ठीक है जो ये वीक ट्रेंड था ये कंटिन्यू नहीं करा बिकॉज इसको तो फॉलो करा हायर हाई high नहीं बना पाया बट लो बहुत ज्यादा ऊपर ही शिफ्ट हुआ ऑलमोस्ट 50% परसेंट की अपमूव से ही वो बाउंस करा है, एंड इवेंचुअली उसने अपने प्रीवियस सारे को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग भी दे दी है सो so यानी कि जो ये वीक का ट्रेंड रिवर्सल था वो अब चेंज होके ट्रेंड बुलिश साइड में रिवर्स हो चुका है ठीक है बुलिश साइड में रिवर्स हो चुका है So, यानी कि अब यहां पर एक बाइंग आ सकती है अब थोड़े बहुत पैटर्न्स या ट्रेंडलाइंस को अगर हम ऑब्जर्व करें तो so, देखिए एक ट्रेंड लाइन तो ये आ रही है एंड इसके अलावा जो एक ट्रेंड लाइन आ रही है वो वीर की सी इट हेयर इस लेवल पे एक ट्रेंड लाइन और आ रही है ठीक है अब आप देख सकते हैं कि अगर मैं आप लोगों को थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूं यस yes. देखिएगा ये जो दो कलर मैंने ब्लैक कलर की दो लाइंस बनाई है ये कितना अच्छा है सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का काम कर रही है देखिए फर्स्ट टाइम रेजिस्टेंस सेकेंड टाइम रेजिस्टेंस एंड थर्ड टाइम रेजिस्टेंस और ये जो तीन बार इसने रेजिस्टेंस लिया है ये 2015 से 2016 के बीच में लिया है ठीक है टू 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 ईयर के बीच में लिया है ठीक है और अभी हम लोग आ गए हैं 2021 में तो ये छः साल पुरानी है उसके बाद जब उसने ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद वी सीव अ रीटेस्ट एक बार रीटेस्ट करा एंड उसके बाद हायर हाईज हायर लोज बनाना स्टार्ट कर गया ठीक है उसके बाद क्या हुआ जब ये दोबारा नीचे आए इसने अपने इसी लेवल को ब्रेक करा ब्रेक करने के बाद व्हाट वी सी ये अब इसके लिए रेजिस्टेंस दोबारा बन गया देखिएगा पहले यहां पर इसके लिए क्या था रेजिस्टेंस यहां पर इसके लिए क्या बन गया सपोर्ट बिकॉज जब ब्रेकआउट दिया ब्रेकआउट देने के बाद रिटेस्ट करके ऊपर जा रहा है सो इट बिकेम सपोर्ट जब सपोर्ट ब्रेक हुआ इधर साइड एंड इसने दोबारा इसे रिटेस्ट करा इट बिकेम रेजिस्टेंस सेकेंड टाइम यहां पर रेजिस्टेंस बना थर्ड टाइम रेजिस्टेंस बना एंड फोर्थ टाइम में इसने जाके एक ब्रेकआउट दिया है ठीक है फोर्थ टाइम में जाके इसने ब्रेकआउट दिया है अब एक बात समझिएगा यहां पे इस पूरे लेवल्स पे अगर मैं आप लोगों को दिखाता हूं टाइम फ्रेम ठीक है 2015 एंड 2016 ऑलमोस्ट एक साल ही एक रेंज के अंदर ट्रेड करा उसके बाद जाके ब्रेकआउट दिया ठीक है इसने जब इस लेवल को ब्रेक करा यहां पर इसने जब इस पर्टिकुलर ट्रेंड लाइन को ब्रेक करा ये कौन सा साल था इट्स ऑलमोस्ट 12 मे 2018 मे 2018 पे जाके इसने अपना ये ब्रेक डाउन दिया था एंड उसके बाद से वो नीचे ट्रेड कर रहा है ठीक है सो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है मतलब तीन साल भी हो जाएंगे कुछ महीनों में सो so, प्रोबली हम ये मान के चल सकते हैं इसने जो वीकली कैंडल का ब्रेकआउट दिया है। और पूरे साल 2018 थाउजेंड में से इसने एक भी कैंडल की क्लोजिंग नहीं दी है इस दो लाइन के ऊपर सो डेफिनेटली यहां पर एक बाइंग मोमेंटम अच्छा सा जनरेट हो सकता है सो so, यहां पर हम लोग एक बाय डेफिनेटली करके चल सकते हैं देखिएगा मैं अगर थोड़ा सा जूम और आपको करके दिखाता हूं सो आपको क्लियर पिक्चर मिल जाएगा देखिए इसने यहाँ पर भी वीकली कैंडल पी कोई भी क्लोजिंग इसके ऊपर नहीं देखने को मिली है यहाँ पर भी देखने को मिली है एंड यहां देखने को मिली है ठीक है सो यस देयर इज अ वेरी गुड बाय इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक 2018 हजार मई के बाद जाके इसने ब्रेकआउट दिया है लॉन्ग टर्म ब्रेकआउट है सो so यार यहाँ पर एक बहुत अच्छा बाय मेरे हिसाब से तो बनता है ठीक है प्लस प्लस एक अच्छा ब्रेकआउट और भी आया है बट एक पैटर्न का आया है लेट मी शो यू दिस पर्टिकुलर पैटर्न देखिए यह पैटर्न है एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न एंड इस हेड एंड शोल्डर पैटर्न का हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा है जस्ट वेट अ सेकेंड या हेड एंड शोल्डर पैटर्न का वीकली हम लोगों ने एक ब्रेकआउट देखा है सो डेफिनेटली अ बाय मोमेंटम गोइंग ऑन, ठीक है, सो so ऑलमोस्ट मैं 40 पॉइंट्स तक की रैली तो एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि 40 पॉइंट्स की रैली दे देख सकता है अगर मैं यहां पर अपना टारगेट रखता हूं परसेंटेज वाइज एंड रखता हूं मैं 40 पॉइंट्स का ठीक है सो आई थिंक पर्टिकुलर स्टॉक थर्टी almost परसेंट almost 40 points, 40 points, yes. का रिटर्न इट्स डेफिनेटली वेरी गुड बाय एंड अगर आपको 123, 122 के लेवल्स में मिलता है तो स्टार्ट अक्यूमिलटिंग अगेन ठीक है तो ये थी हमारी राइस एनालिसिस इस पर्टिकुलर स्टॉक में होप यू ऑल लाइक इट एंड ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं कि मंडे को कौन से स्टॉक्स बाय करने हैं सो डेफिनेटली यू विल बाय दैट पर्टिकुलर स्टॉक्स एज वेल एंड वॉच लिस्ट के अंदर जरूर रखेगा सो so हम लोग मिलते हैं कल अपनी वीडियो पे मैं शिवाश भसीन साइनिंग ऑफ